शाहीन बाग प्रदर्शन पर पहली बार एंकर विश कुमार ने तोड़ी चुप्पी, बोले अगर भाजपा नमस्कार। दिल्ली के शाहीन बाग में लगातार नागरिकता संशोधन कानून और NRC का विरोध हो रहा। करीब एक महीने से यहां लगातार प्रदर्शन चल रहा है। इन प्रदर्शनों को सियासी दलों को नहीं बल्कि आम महिलाओं ने संभाल रखा है। दिन हो या रात प्रदर्शनकारी लगातार वहां जमे हुए हैं। हालांकि प्रदर्शन को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। वहीं पहली बार एंकर विश कुमार ने शाहीन बाग पर चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने अपने ब्लॉग में भारतीय जनता पार्टी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहे हैं। यहाँ मौजूद महिलाएं शांत होकर CAA का विरोध कर रही है। वहीं रविवार को कुछ कश्मीरी पंडित भी शाहीन बाग पहुंचे और कश्मीरी पंडितों को न्याय दो जैसे नारे लगाए। कश्मीरी पंडितों से उनकी कहा सुनी हो गई। वहीं दूसरे बिहार में भाजपा नेता सुशील मोदी ने भी कहा कि कश्मीर से जब अल्पसंख्यकों को निकाला गया तब प्रदर्शनकारी क्यों चुप बैठे हुए थे। एंकर विश कुमार ने शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शनों पर सवाल उठा रहे लोगों पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने रवीश ने कहा है कि अगर भाजपा को 3 करोड़ लोगों तक पहुंचाने के लिए 1000 रैलियों और सभाएं करनी पड़ रही है तो ये इन प्रदर्शनों का ही असर है। रवीश बोले कि दिल्ली में खाली बैठे विद्वान बोल रहे हैं कि इन प्रदर्शनों से बोरियत होने लगी है। रवीश का कहना है कि शाहीन बाग का प्रदर्शन सिर्फ यही तक शामिल नहीं है, ये प्रदर्शन पटना, लखनऊ और कानपुर तक पहुंच गया है।